हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर चैनल एज एजस्कॉट आपका आपके चैनल एज एजुस्कवाइट में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे हाउ टू ड्रा आलियुड प्रोफाइल इन गियर प्रोफाइल जो गियर की प्रोफाइल है वो दो होती हैं एक इन एक साइक्लोइड जो आज हम ड्रा करेंगे वो है हमारी इन प्रोफाइल इस पर गियर की इन प्रोफाइल ड्रा करेंगे जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर वो मैंने पहले से ड्रा करके रखा है इसमें मैं आपको गियर की जो टर्मिनोलॉजी है जो हमारी टर्म्स यूज़ होंगे उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू ड्रा व गियर प्रोफाइल गियर प्रोफाइल हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको इसमें पहले आप देख लें हमारा सेंटर है यहाँ पर ओ उसके बाद जो सबसे नीचे वाला सर्कल है रेड कलर में शो रहा है वो है आपका डिडेंडम सर्कल डिडेंडम सर्कल रेड कलर और उसके बाद जो ब्लू कलर में है वो है आपका बेस सर्कल और उसके बाद जो मैंने पेंसिल से ड्रा किया है जो सेंटर लाइन से है वो है आपका पी सी डी पी सी डी का मीनिंग है पिच सर्कल डायमीटर ओके पी सी डी पिच सर्कल डायमीटर और उसके बाद जो लास्ट है आप, आपका टॉप पर वो है आपका एडेंडम सर्कल लास्ट पे टॉप पे जो थोड़ा सा ग्रीन है वो है एडेंडम सर्कल और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पी सी डी के ऊपर दो पॉइंट कटे हैं पी सी डी के ऊपर दो पॉइंट कटे हैं उनका जो गैप है अलॉन्ग सर्कल उसको हम बोलेंगे सी पी बाय टू और टूथ थिकनेस आपकी यहाँ से लेकर ए पॉइंट ये वाला और बी पॉइंट यहाँ तक ये क्या है आपकी टूथ थिकनेस और टूथ थिकनेस किसकी इक्वल होगी सी पी बाय टू के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टूथ थिकनेस इक्वल्स टू सी पी बाय टू और उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूँ गियर को अभी ये पॉइंट था पी सी डी इसके आगे से लाइन खींच लीजिए इसको बोलेंगे जो ऊपर वाला सरफेस है टॉप लैंड और इसको बोलेंगे हम फेस और इसको हम बोलेंगे फ्लैंक यहाँ से देखिए इस सरफेस को बोलेंगे फेस और जो नीचे बचा उसको हम बोलेंगे फ्लैंक ओके तो स्टूडेंट्स ये टर्म्स यूज़ होंगे हमारी जब हम गियर प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे और इसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं कुछ फार्मूलाज हैं आइए पहले वो देख लेते हैं वो क्या है सबसे पहला जो फार्मूला है वो है हमारा सी पी सी पी होती है हमारी सर्कुलर पिच सर्कुलर पिच का फार्मूला है पी सी डी पिच सर्कल डायमीटर इन टू पाई पाई कॉन्स्टेंट है थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव अपॉन एन एन होता है हमारा नंबर ऑफ टीथ और सी पी का एक दूसरा रिलेशन है डी पी के साथ डी होती है हमारी डायमीटरल पिच सी पी सर्कुलर पिच इक्वल्स टू पाई अपॉन डायमीटरल पिच और इसका एक और फार्मूला है वह है पाई इन टू एम एम होता है हमारा मॉड्यूल मोड्यूल एम ओ डी जू एल ई मोड्यूल सी पी के भी तीन रिलेशन है पी सी डी इन टू पाई अपॉन एन पाई अपॉन डी पी और पाई इन टू एम और उसके बाद जो मॉड्यूल का फार्मूला है वैसे तो मॉड्यूल गिवन होता है अनुमेरिकल में स्टेटमेंट में अगर गिवन ना हो तो उसका हम रिलेशन यूज़ करेंगे मोड्यूल इक्व टू पिच सर्कल डायमीटर अपॉन एन और जो हमारी होगी डी पी डायमीटर पिच उसका फार्मूला है एन अपॉन पी सी डी और यहाँ से पी का एक नया फार्मूला बना मड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ उसके बाद होता है एक अडेंडम एडेंडम होता है जो पी से लेकर ऊपर तक का गैप है एडेंडम वो होता है सी पी अपॉन पाई सर्कुलर पिच अपॉन पाई और जो हमारा अडेंडम सर्कल था टॉप सर्कल था उसका डायमीटर क्या आएगा पी सी डी प्लस टू इंटू एडेंडम ओके एडेंडम सर्कल डायमीटर पी सी डी प्लस टू इंटू अडेंडम सेम केस में हमारा डिडेंडम होगा डिडेंडम क्या बनेगा एडेंडम प्लस क्लियरेंस ओके डिडेंडम क्या है अडेंडम प्लस क्लियरेंस और क्लियरेंस का फार्मूला हमारे पास यहाँ पर था क्लियरेंस थी सी पी अपॉन ट्वेंटी सर्कुलर पिच अपॉन ट्वेंटी तो हमने डिडेंडम कैलकुलेट कर लिया अडेंडम प्लस क्लियरेंस तो डिडेंडम सर्कल डायमीटर क्या बनेगा पी सी डी माइनस टू इंटू डिडेंडम डिडेंडम का आपको डबल कर दो और पी सी डी में से माइनस कर दो तो डिडेंडम सर्कल डायमीटर अगर आप अडेंडम सर्कल डायमीटर कैलकुलेट कर रहे थे तो अडेंडम इंटू टू कर दो प्लस पी कर दो और लास्ट में टू थिकनेस वो थी हमारी सी पी बाय टू सर्कुलर पिच बाय टू टू स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को आप अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि जब अगर आप सॉल्व करोगे गियर प्रोफाइल ड्रॉ करोगे तो उसमें आपको दो से तीन वैल्यूज़ गिवन होंगी और जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो आपको कैलकुलेट करनी होंगी खुद विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूलाज तो आइए देखते हैं जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है और कैसे फार्मूलाज लगा के हमने पहले गियर को गियर की कैलकुलेशन की और उसके बाद गियर प्रोफाइल को ड्रॉ किया तो स्टूडेंट्स जो हमारी स्टेटमेंट आएगी हमको पेपर में वो कैसे आएगी आ व्हील हैज़ ट्वेंटी फोर टीथ ऑफ थर्टी थ्री एम एम सर्कुलर पिच एंड प्रेशर एंगल ट्वेंटी डिग्री सेट आउट वेरियस सर्कल्स एंड शो फ्यू टीथ जो हमारा व्हील है उसके ऊपर ट्वेंटी फोर टीथ हैं मीन्स हमारी जो कैपिटल एन है वो होगी ट्वेंटी फोर ऑफ थर्टी थ्री एम एम सर्कुलर पिच जो हमारी सी पी थी उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास थर्टी थ्री एम एम और उसके बाद जो प्रेशर एंगल है वो है हमारा ट्वेंटी डिग्री इसको हम फाइव सी डी नोट करेंगे सेट आउट द वेरियस सर्कल वेरियस सर्कल्स आप कैलकुलेट करो और उनको बनाओ वेरियस सर्कल जैसे अडेंडम सर्कल डिडेंडम सर्कल पी सी डी पिच सर्कल और उसके बाद बेस सर्कल एंड शो फ्यू टीथ टोटल टीथ हैं ट्वेंटी फोर आपको बोला है एंड शो फ्यू टीथ आप कम से कम तीन या पाँच टी इसके बनाकर शो कर दोगे तो जो मैंने पहले फार्मूलाज दिखाए थे विद द हेल्प ऑफ दोज फार्मूलाज पी सी डी हमारे पास आया जो हमारा पिच सर्कल डायमीटर है टू फिफ्टी टू एम एम और जो एडेंडम है ओनली एडेंडम वो था मेरे पास टेन पॉइंट फाइव एम एम और उसके बाद एडेंडम सर्कल डाया कैलकुलेट किया वो था हमारा पी सी डी प्लस टू इंटू अडेंडम आप टेन पॉइंट फाइव को टू से मल्टीप्लाई करो और पीसीडी में प्लस कर दो तो वो एडेंडम सर्कल डायमीटर आया टू सेवेंटी mm. थ्री एम एम उसके बाद जो क्लियरेंस थी वो थी सी पी बाई ट्वेंटी तो वो आई वन पॉइंट सिक्स फाइव एम एम और उसके बाद जो था डिडेंडम वो मेरा था क्लियरेंस प्लस अडेंडम वो है ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टीन एम एम तो डिडेंडम सर्कल डाया क्या था पी सी डी माइनस टू इन टू डिडेंडम वो मेरे पास आया टू टू सेवन पॉइंट सेवन एम एम और लास्ट में टू तो थिकनेस वो थी सी पी बाई टू वो था सिक्सटीन पॉइंट फाइव एम तो स्टूडेंट्स मैंने उन फार्मूलाज की हेल्प से कैलकुलेशन की है अब इस कैलकुलेशन जो पैरामीटर्स मेरे पास हैं उसके हिसाब से मैं एक गियर प्रोफाइल ड्रॉ करके कर दिखाऊंगा आपको तो भाई ये गियर प्रोफाइल ड्रा करेंगे पहले सबसे पहले आप गियर का एक सेंटर बना लें इस सेंटर को हमने मार्क कर दिया पॉइंट ओ के साथ अभी हम सबसे पहले बनाएंगे जो हमारा था डिडेंडम सर्कल डिडेंडम सर्कल हमारे पास आया था टू टू सेवन पॉइंट सेवन एम एम तो इसका आप हाफ़ करके इसका रेडियस कैलकुलेट कर लोगे और इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा वन वन थ्री अप्रॉक्स वन वन थ्री तो हम वो लगाएंगे पहले को सेंटर मानकर ओ को पहले आप डिडेंडम सर्कल लगा दिया और उसके बाद हम लगाएंगे पीसीडी पीसीडी था हमारे पास टू फिफ्टी टू एम एम तो इसका हाफ़ कर लेंगे और पीसीडी लगाएंगे पीसीडी मैं एक पेंसिल की हेल्प से लगा रहा हूँ अलग कलर में शो करूँगा इन सबको पीसीडी था टू फिफ्टी टू तो इसका भी आप हाफ़ कर लोगे पी सी डी यहाँ पर लगाएंगे ओके पी सी डी के बाद हम लगाएंगे एडेंडम सर्कल जो हमारे पास एडेंडम सर्कल था उसका डायमीटर था टू सेवेंटी थ्री एम एम इसका भी आप हाफ कर दोगे इसको मैं लगाऊंगा अलग कलर से यहां पर हमारा बन गया अडेंडम सर्कल ओके okay, अभी हम बेस सर्कल को कैलकुलेट करेंगे बेस सर्कल कैसे आएगा अभी आप इसमें देखिए इसमें मैंने बेस सर्कल कैसे बनाया था सेम वे से मैंने बेस सर्कल बनाना है जो मैं पर फाइल अभी ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें देखिए जो हमारा सेंटर पॉइंट है ओ और, okay? और एक है हमारा ऊपर पी का पॉइंट ओके सेंटर पॉइंट ओ और एक पी का पॉइंट इसको मैं नाम देता हूँ पी मैंने ओ और पी का अभी हाफ़ करना है ओ और पी का हाफ़ करना है वो मैं चाहे तो स्केल से कर सकता हूँ अगर मैंने एक्यूरेट करना है तो मैं उसको कंपास की हेल्प से हाफ़ करूँगा कंपास की हेल्प से हाफ कैसे करेंगे वो देखिए आप ओ पे कंपास रखिए और अप्रॉक्स हाफ से ज़्यादा कंपस खोल लीजिए ठीक है मैंने अप्रॉक्स हाफ से ज़्यादा खोला है ओ पी का अप्रोक्स हाफ आ रहा है यहाँ पर अप्रोक्स है तो मैंने अप्रोक्स से ज़्यादा कम्पस खोल ली और एक पॉइंट मैं लगाऊँगा इस तरफ और दूसरा पॉइंट लगाऊंगा मैं इस तरफ दो आर्क लग गई और उसके बाद मैं सेंटर मानूंगा अपने पॉइंट पी को जो मेरा पी सी डी सर्कल के ऊपर है और सेम आर्क एक इधर और एक सेम आर्क मैं इस तरफ लगाऊंगा अभी आप देखिए जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैच करूंगा जो आर्क के पॉइंट कट हो गए थे तो मेरे पास एक पॉइंट आएगा इस लाइन के ऊपर वो मेरा होगा मीडियन ओ और पी का ओ और पी का मेरे पास मिड पॉइंट आ गया उसको मैं नाम दे रहा हूँ सी वन ओके अभी आपने हाफ करना है सी वन और पी का सी वन और पी का अभी आप हाफ करोगे सेम वे से कंपस अप्रॉक्स से ज़्यादा खोले एक आर्क इस तरफ और एक आर्क इस तरफ और पी को सेंटर मान के एक आर्क इस तरफ और सेम आर्क दूसरी तरफ अभी आप जैसे पहले मैच किया था अभी आप इनको भी मैच करना और एक पॉइंट आ गया मेरे पास यहाँ पर इसको मैं नाम दे रहा हूँ अभी C2 टू okay, ओके मेरे पास दो सेंटर्स आ गए O और P का जो हाफ था वो था मेरे पास C1 और जो C1 और P का हाफ था वो मेरे पास आया अभी C2 अभी आप C1 को सेंटर मानकर C1 को सेंटर मानकर P तक आप कंपास खोलोगे C1 हमारा सेंटर है और C1P हमारा हो गया रेडियस और एक आर्क लगा दोगे ठीक है और अभी आप C2 से P तक कंपास खोलोगे हमारा रेडियस हो गया C2P और कंपास रखोगे आप P के ऊपर जो हमारा पी सी डी के ऊपर था और एक आर्क सेम वे से लगा दूंगी अभी आप देखिए जो मैंने दोनों आर्क लगाई तो वो दोनों आर्क कट करगी इस पॉइंट के ऊपर ठीक है यहाँ से अभी हमारा एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर होगा ओ और रेडियस होगा इसको हम नाम देते हैं एम ओ एम रेडियस के साथ मैं एक सर्कल लगाऊंगा, जो होगा हमारा बेस सर्कल ओके इसको हम अलग कलर से लगाते हैं उसको हम बोलेंगे बेस सर्कल जिसका रेडियस क्या है ओ और एम देखिए यहाँ से एक सर्कल लगाएंगे ओ हमारा सेंटर है और एम है हमारा रेडियस ओ एम तो ये सर्कल मेरा बन गया बेस सर्कल ओके अभी पास अभी मेरे पास चार सर्कल हैं अडेंडम सर्कल जो टॉप के ऊपर है और उसके बाद है हमारा पीसीडी और उसके बाद बेस सर्कल और लास्ट में हमारा डेडेंडम सर्कल अभी हम इनवोल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे वो देखिए कैसे करेंगे अभी हम कंपस के ऊपर जो हमारी टूथ तो थिकनेस है उसको देखेंगे टूथ तो थिकनेस हमारी सिक्सटीन पॉइंट फाइव इसमें देखिए टूथ तो थिकनेस हमारी सिक्सटीन पॉइंट फाइव अभी आप अपनी कंपस खोलें पॉइंट फाइव एम एम सिक्सटीन पॉइंट फाइव एम एम जो हमारी है थिकनेस यहाँ से देखिए सिक्सटीन पॉइंट फाइव ठीक सिक्सटीन पॉइंट फाइव कम्पस खोलने के बाद आप पी पॉइंट के ऊपर कम्पस रखिए और पी सी डी के ऊपर पॉइंट कट करने स्टार्ट PCD कर दीजिए पी सी डी के ऊपर मैंने पॉइंट कट कट दिए तीन इस तरफ और सेम वे से मैं तीन पॉइंट इस तरफ कट कर दूंगा ठीक है जो अभी मैंने पॉइंट कट किए ये उनका गैप था वो सिक्सटीन पॉइंट फाइव mm, एमएम किसके कुल टू थिकनेस के वो गैप कैसे निकाला था सीपी को मैंने हाफ करके अभी आप कंपस खोलिए सीपी की कुल सीपी थी हमारी थर्टी थ्री एम एम तो थर्टी थ्री एम एम कंपस खोलेंगे थर्टी थ्री एम एम कंपस खोली आप यहाँ से ठीक है उसके बाद अभी आप ध्यान से देखना मैं कंपस रखूँगा जिस पॉइंट पे मैंने आर्क ड्रॉ करनी है मान लो मैंने यहाँ पर आर्क ड्रा करनी है पी के ऊपर और मैंने पॉइंट कट किया बेस सर्कल के ऊपर ठीक है पी पॉइंट के ऊपर कंपास रखी पॉइंट कहाँ कर कर रहा हूँ मैं बेस सर्कल के ऊपर और कंपस कितनी खोली है मैंने सी पी के कोल थर्टी थ्री अभी मैं कंपस को नहीं हिलाऊंगा जो मैंने पॉइंट कट किया है देखिए आपने मैंने यहाँ पर पॉइंट कट किया था वहाँ पर मैं कंपस रखूँगा और पी पॉइंट से एक आर्क को मैं पास कर दूँगा ठीक है पी पॉइंट के ऊपर से एक आर्क को पास कर दिया अभी हम देखिए अगर मैं गियर प्रोफाइल बना रहा हूँ मैंने गियर प्रोफाइल कैसी बनेगी ऐसा होता है गियर मेरा ठीक है ऐसा बनेगा अगर मैंने एक आर्क ऐसे लगाई है तो दूसरी आर्क मेरे को ऐसी लगानी होगी और जो इन दोनों का गैप है वो मेरा थिकनेस तो यहाँ पर देखिए अगर एक आर्क मैंने यहाँ पर लगा दी तो दूसरी आर्क मेरे को ऐसे लगानी होगी मीन्स मैं किस पॉइंट का यूज़ करूँगा इस पॉइंट का अगर मैंने आर्क ऐसी लगानी है ऐसी आर्क लगानी है तो सेंटर इस तरफ होना चाहिए राइट right की तरफ तो मैं क्या करूँगा अभी इस पॉइंट पर कंपस रखूँगा ठीक है इस पॉइंट पर कंपस रख कर बेस सर्कल के ऊपर जो मेरा बेस सर्कल है उसके ऊपर एक पॉइंट कट कर दूंगा और उस कंपस को मैं नहीं हिलाऊंगा कंपस सेम वो ही है थर्टी थ्री एम एम और जो बेस सर्कल के ऊपर पॉइंट कट किया है उसको मैं सेंटर मानकर एक आर्क लगा दूँगा जो मेरी इस पॉइंट से पास होगी ठीक है एक मेरा गियर कंप्लीट हो गया इसके बाद मैं यहाँ पर गियर बनाऊँगा अगर मैंने यहाँ पर आर्क लगानी ऐसे तो मेरा सेंटर इस तरफ होना चाहिए तो बेस सर्कल के ऊपर अभी आप देखिए यहाँ से बेस सर्कल के ऊपर पॉइंट कट कर दिया और सेम वे से मैं यहाँ पर इसको सेंटर मानकर एक आर्क लगा दूँगा ठीक है अगर यहाँ से आर्क पास करेगी वो ऐसे होगी तो इसका सेंटर इस तरफ होगा तो कंपस मेरी थर्टी थ्री है बेस सर्कल के ऊपर पॉइंट कट कर रहा हूँ बेस सर्कल के ऊपर और उसको सेंटर मानकर जो मैंने पॉइंट कट किया था एक आर्क लगा रहा हूँ ऐसे अभी आप देखिए गियर प्रोफाइल ड्रॉ होगी जो हमारे टू टी थे वो कंप्लीट हो गए इसमें आप जो सब कुछ है वो आपका सब लाइट होगा सर्कल्स थोड़े से डार्क होंगे और जो आपकी गियर प्रोफाइल है वो सबसे डार्क होगी और इसको बाद आप जो ऊपर वाला टॉप लैंड उसको कंप्लीट कर दोगे और जो नीचे है वहाँ पर एक रेडियस आएगा यहाँ पर देखिए आप एक रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अपने हाथ से इसको बोलते हैं हम फिलड रेडियस ठीक है नीचे हमारा बनेगा फिलट रेडियस फिलेट रेडियस हम क्यों प्रोवाइड करवाते हैं टूथ की स्ट्रेंथ इनक्रीज करने के लिए तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने सीखा हाउ टू ड्रॉ आ इनवॉल्यूट गियर प्रोफाइल इसमें हमको दिए थे ट्वेंटी फोर टीथ जो हमारी कैपिटल एन थी वो थी ट्वेंटी फोर उसके बाद था थर्टी थ्री एम एम सर्कुलर पिच जो हमारी सी पी थी वो थी थर्टी थ्री और उसके बाद था प्रेशर एंगल ट्वेंटी डिग्री और उसके बाद हमको बोला था कि आप सर्कल्स बनाओ और कुछ टीथ आप शो करो दो मैंने इस तरफ कर दिए दो आप इस तरफ कर देना टोटल फोर टीथ आप शो कर सकते हो ओके स्टूडेंट्स तो ये था हमारा लेक्चर अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच